नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजाना न्यूज में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। रोजगार सहायकों की हड़ताल का चौथा दिन, चौथे दिन आज रोजगार सहायकों ने विरोध स्वरूप जनपद कार्यालय के बाहर साफ सफाई की। उन्होंने ये सफाई स्वच्छ भारत अभियान के तहत की। आपको बता दें कि विगत चार दिनों से रोजगार सहायक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, पर अभी तक प्रशासन ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। आज रोजगार सहायकों की हड़ताल का चौथा दिन था। अभी भी सरकार ने बिल्कुल नहीं लिया। इसी क्रम में आज जनपद में सफाई अभियान चलाया गया था। कल रोजगार सहायक विरोध स्वरूप वृद्धजनों को आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, वृद्धाश्रम में जाकर फल वितरण करेंगे एवं सरकार को सद्बुद्धि दे इसकी कामना करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने निकाली लोकतंत्र बचाओ रैली। यह रैली कर्नाटक चुनाव में भाजपा द्वारा बिना मोहब्बत के सरकार बनाने के विरोध में कांग्रेसियों ने की है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अनुसार भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है, इसीलिए लोकतंत्र बचाने के लिए रैली निकाली गई। आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव में भाजपा को 104 सीटें मिली हैं, वहीं कांग्रेस को 78 एवं जेडीएस के पास 38 सीटें, यानी कि किसी के पास भी पूर्ण बहुमत नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी, जिसके चलते कल शाम 4 बजे तक फ्लोर टेस्ट करवाना होगा। वहाँ के उनके ऑफिसर्स के ट्रांसफर कर दिए गए और आप देखें कि आप उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस के साथियों ने ये कहा। महिला आक्रोशित है, युवा आक्रोशित है, मजदूर आक्रोशित है, इन्होंने किसी की भी सुध नहीं ली। साथियों, अब वर्ष 2018 के अंत में मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, में आप एक सप्ताह से पुरजोर तरीके से इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंके और सिंधियाई सरकार को मध्य प्रदेश में कमान सौंपे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 15 दिन का वक्त था, वो 36 घंटे का कर दिया। और आप ये देखिए, येदियुरप्पा जी ने जैसे ही अपनी शपथ ली, उसके उपरांत उन्होंने स्वयं कैबिनेट मीटिंग होती है, लेकिन कैबिनेट मीटिंग में अन्य पदाधिकारी भी होते हैं, किंतु स्वयं भारतीय मजदूर संघ द्वारा वन मंडल अधिकारी को दिया ज्ञापन। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि गुना जिले में मंडल क्षेत्र में जहां जहां विकास दल के रूप में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनको विगत 4 माह से वेतन नहीं मिला है। जो पुराने विकास दल के कार्यकर्ता थे, उन्हें भी हटा दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से ये मांग भी की गई कि विकास दल के कार्यकर्ताओं को विगत 4 माह का वेतन दिया जाए, साथ ही जिन कार्यकर्ताओं को हटाया गया है उन्हें भी वापस नियमित कर दिया जाए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे 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 भारत माता की जय। भारत माता की जय। नंबर 4, वन विभाग में स्वीकृत नए कूपों में नवीन विकास दल सदस्यों को नहीं रखा जावे, पुराने सदस्यों को ही रखा जावे। कार्यवाहक कर्मचारी एवं दैनिक वेतन भोगी श्रमिक महासंघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ जिला गुना माननीय वन मंत्री महोदय से निवेदन करता है कि संघ के मांग पत्र पर गौर कर वन मंडल गुना में कार्यरत सरकार जिले की 8 जो सब रेंज है उनमें वन विभाग में जहाँ जहाँ विकास दल के रूप में
कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको 4 महीने से वेतन नहीं मिला, इस कारण उनको भूखे मरने की स्थिति आ गई है। घर परिवार में रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। 4 महीने का उनको वेतन दिया जाए, एक बात। दूसरी बात, उनको नियमित किया जाए। जिन बंधुओं को पूर्व से विकास दूत के रूप में रखा गया था उनको अभी सेवा से बाहर कर दिया है, इस कारण उनके सामने रोजी रोटी का संकट हो गया है। आज की तारीख में वो बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं है। अब ऐसे में घर परिवार की चिंता उनको सता रही है, इसलिए हमने वन विभाग से मांग की है, माननीय मंत्री जी से ये मांग की है कि आप जितने विकास दल विकास दूत जितने वन विभाग में कार्यरत हैं उन सभी विकास दूत को नियमित किया जाए, उनको नियमित रूप से वेतन दिया जाए। दूसरी बात, जब भी विकास दूत जहाँ जहाँ आवश्यकता लगेगी वहाँ जो विकास दूत पूर्व से काम कर रहे हैं उन्हीं को रखा जाए, नए विकास दूत के रूप में नई नियुक्ति ना की जाए। इनके अतिरिक्त अगर आवश्यकता होती है तो ही नए विकास दूत के रूप में नए लोगों को रखा जाए। बूढ़े बालाजी क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आज सुबह डायल 100 को सूचना मिली कि बूढ़े बालाजी क्षेत्र में एक युवक द्वारा फांसी लगा ली गई है। मौके पर डायल 100 जब पहुंची तो शव को नीचे उतारा गया। सिटी कोतवाली के जांच अधिकारी मौके पर पहुंच गए। युवक का नाम बाजिद खान बताया जा रहा है। युवक ने फांसी क्यों लगाई ये कारण अभी तक अज्ञात है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। जमीन से जो काला है नीचे न मिला, नीचे छात मिला नहीं हाँ यार वो दम भी बोलने नहीं होता। अच्छा ही जमीन से पैर लंबाई प्रातः डायल 100 से सूचना प्राप्त हुई थी कि बूढ़े बालाजी क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगा ली गई है। सूचना पर जांचकर्ता अधिकारी सब इंस्पेक्टर साहू को भेजा गया है। पता चला है कि एक बासित खान नाम का जो मजदूर किस्म का व्यक्ति था उसने फांसी लगा ली है। अब कारण क्या है, हो सकता है कि पारिवारिक विवाद हो जो भी है वो जाँच के बाद ही सामने आएगा। क्योंकि फिलहाल वर्ग पंजीबद्ध कर जाँच में लिया गया। अखिल भारतीय मजदूर एकता यूनियन द्वारा निकाली गई रैली। लोक निर्माण विभाग स्थायी कर्मचारियों के यूनियन अध्यक्ष ने बताया कि लोक निर्माण विभाग कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलती है। वहीं 1 से लेकर 7 तारीख तक के बीच में वेतन मिल जाना चाहिए थी जो कि 18 तारीख तक नहीं मिली है। लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के समय पर एरियर का भुगतान भी नहीं हो पाया है, जबकि पिछली बार लोक निर्माण अधिकारियों ने उनको आश्वासन दिया था कि कर्मचारियों की समस्याओं को जल्द हल कर लिया जाएगा। वहीं ज्ञापन के माध्यम से अधिकारियों का इस ओर ध्यान आकर्षित करने की बात भी कही। मैं सजा का भी प्रावधान है मगर वो लगातार उल्लंघन हो रहा है। ये स्थायी कर्मियों को ये असल में लोक निर्माण विभाग के अंदर जो स्थायी कर्मी और वर्कशॉप में कर्मचारी काम करते हैं उनकी समस्याओं को लेकर ये कार्यपालन अंत्य कार्यालय पर आंदोलन है। और ये आंदोलन इसलिए हो रहा है कि इसके पहले लगातार 6 महीने से पत्राचार किया गया, मांग पत्र दिया गया, एक बार कार्यपालन अंत्य ने बुलाकर मांग पत्र पर चर्चा भी की और मांगों पर एक सहमति बनाई, मगर उसके बावजूद उस सहमति का पालन नहीं किया।
आज भी समस्याएं लंबित हैं। जो वेतन 1 से 7 तारीख के बीच में मिलना चाहिए था वो अभी अप्रैल माह का वेतन आज तक भी नहीं मिला है, और ये कंडीशन हमेशा बनी रहती है। मजदूर को पैसा नहीं मिलता है, दूसरा उनका समयमान वेतनमान और दूसरा जो एरियर का भुगतान होना है वो भी नहीं हुआ है। धरनादा पुलिस को अपराधियों की धरपकड़ में लगातार मिल रही सफलता के क्रम में आज एक शातिर मोटरसाइकिल चोर को मोटरसाइकिल एवं चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली। बता दें कि 3 नवंबर 2017 को रुठियाई कस्बे में मोटरसाइकिल एवं मोबाइल चोरी का प्रकरण दर्ज था, जो कि अज्ञात आरोपी के नाम से था, जिसमें अब पुलिस ने हरिओम उर्फ हरिमोहन को चोरी की मोटरसाइकिल एवं चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरू हो रहा है मुस्लिम समुदाय का पवित्र माह। सुबह की पहली नमाज 4:15 पर अदा की गई, वहीं रोजा अफ्तारी का समय 7 के बाद का रहेगा। गल्ला मंडी में इन दिनों समर्थन मूल्य की फसल की खरीदी की जा रही है, वहीं फसल बेचने के लिए किसान 4 से 5 दिन से परेशान घूम रहे हैं। बता दें कि गुना जिले में तकरीबन 35,000 किसानों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिनमें से केवल 9,000 के ही तुलाई हो चुकी है और फसल बिक सकी है। वहीं समर्थन मूल्य की खरीदी के अंतिम 3 तारीख का भी लोगों में असमंजस है, क्योंकि पहले ये तारीख 9 जून बताई गई, इसके बाद 25 मई कर दी गई। किसानों का आरोप है कि समर्थन मूल्य केंद्रों से हो रही है परेशानी, क्योंकि जिले भर में केवल 3 ही समर्थन मूल्य केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें किसानों को अपनी फसल को बेचना है। बता दें कि खाद्य विभाग सहकारिता या फिर समितियों के निश्चित तौर पर केंद्र बनाने में लापरवाही की गई, जिसके चलते किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं किसानों के समर्थन मूल्य के रजिस्ट्रेशन की ज्यादा होने के चलते भी प्रशासन को खरीदी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में केवल तीन केंद्र बनाए गए हैं। अब आपको बता दें आखिर किसानों की परेशानी क्यों हो रही है। वहीं तपती धूप और बढ़ती गर्मी में किसानों को भूखे प्यासे खड़े रहकर अपनी फसल को बेचने का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। किसानों ने आरोप लगाया है कि जो भी फसल बेचने के लिए आता है उससे मंडी कर्मचारी 1,000 रुपए की रिश्वत मांगते हैं। अगर किसान उन्हें 1,000 रुपए दे देता है तो उसे जल्द ही टोकन मिल जाता है, जिसके चलते उसकी फसल जल्द बिक जाती है। वहीं तुलाई के लिए हम्माल भी 10 रुपए प्रति बोरी की दर से किसानों से लेते हैं। जो किसान ये पैसा दे देते हैं उनकी तुलाई जल्दी हो जाती है, जो नहीं दे पाते उन्हें लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। वहीं किसानों का यह भी आरोप है कि इस बढ़ती गर्मी में गंदा पानी पीने को मजबूर है, क्योंकि जिस क्षेत्र में यानी गोपालपुरा दशहरा मैदान में जहां किसानों को खड़ा किया गया है वहां पीने के पानी की दिक्कत है। साथ ही आज प्रशासन चेता और बीज निगम के मैदान में ट्रॉलियां लगवा दी गई। वहीं एसडीएम सुबह से ही खड़े रहकर लोगों को टोकन बांट रहे थे, जिसके चलते आज थोड़ा सा किसानों का रोष कम हुआ है। वहीं इस चिलचिलाती गर्मी में बीज निगम में भी पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। हालांकि एसडीएम ने इस हेतु काफी प्रयास किए हैं और तुलाई के लिए वहीं पर केंद्र बना दिए गए हैं। सूत्रों की माने तो नए तुलाई केंद्र यानी कि बीज निगम में कोई भी हम्मा लाने को तैयार नहीं है, जिसका कारण है कि वो गल्ला मंडी में अपने कांटे में कुछ कारस्तानी कर लेते, जिसके चलते किसानों की फसल कम तोली जाती है। वहीं इस बारे में जब हमने मंडी सचिव से बात की तो उन्होंने किसानों के सभी आरोपों को निराधार बताया। वहीं कहा कि मंडी प्रशासन का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, जो खरीदी करता है वो सहकारिता विभाग है। समझ से परे है कि क्यों प्रशासनिक अधिकारी एक दूसरे के ऊपर अपनी बात टाल रहे हैं। यदि प्रशासनिक अधिकारी इस तरह से ही एक दूसरे के ऊपर अपनी बात टालते रहे तो किसान कहां जाएगा। दूसरे जाना हमको
सुबह 10-11-12 बजे टोकन कट चुके हैं। सुबह से ट्राली आई, एक ट्राली नहीं तुली, हमाल नहीं है, व्यवस्था कुछ है नहीं सर। कुछ लाभ नहीं हुआ, कुछ लाभ नहीं हुआ यहाँ पे आने तक। क्या क्या लाभ हुआ? 14 तारीख से पड़े हैं दशहरा मैदान में। नहीं नहीं, 14 तारीख से अपन दशहरा मैदान में खड़े हैं। आज कितनी हुई? 18 टोकन कटा है। अब 18 टोकन भी कटेगा, सुबह 12 बजे टोकन कटेगा तो अब तक तोल तो कम से कम 2 ट्राली तुल जाएगी तो ही ठीक है किसान की। अभी तक एक ही ट्राली नहीं तुल, हमारे ही नहीं है, तोलेगा कौन? खड़े थे, खड़े रहेंगे 4 दिन और क्या। आज मेरी ट्राली को आए हुए 5 दिन हो गए हैं दशहरा मैदान में। 5 दिन से ना तो टोकन मिला, ना मंडी में माल बिका है। आज जाकर के हमें टोकन मिला है और टोकन भी मिलने के बाद भी आज 12 बजे से ट्रालियाँ या आपके सरकारी फार्म हाउस पर खड़ी हैं, लेकिन कोई ना बाढ़ देने की व्यवस्था है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई हमालों की व्यवस्था है। सब किसान लोग यहाँ आगे पड़े हुए हैं। खाना माना खाया कि नहीं खाया? नहीं, खाना कुछ नहीं खाया, पानी नहीं मिल रहा, पीने का पानी नहीं है। खाना कहाँ है? आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर टेंट की व्यवस्था है, खेतों में ला के पटक दिया, खेतों में नीचे माल खराब होगा, किसान का माल आप तुलवाएंगे। ट्रैक्टर अलग फंस रहा है इसमें। अगर प्रशासन को ये करना चाहिए था, जैसे आप खरीदी करते हैं समर्थन मूल्य पर गेहूं की, ऐसे आपको फटफट करना चाहिए था आपको। मंडी का अनुज्ञप्तिधारी तुलावटियों, यहाँ पे मंडी की तरफ से तो हमारी ड्यूटी लगाई दी गई तुलावटियों की, और तुलावटी पर्याप्त हैं कांटों पर। बस अब ये विपणन संघ वाले जो भी सोसाइटी वाले हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लेबर की व्यवस्था करें और किसानों का काम जल्दी से जल्दी निपटाएं। मगर उनके कारण यहाँ लेबर की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो रही, यहाँ पर किसान भी परेशान हो रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं फेल हो रही हैं। बाकी मंडी कमेटी की तरफ से हम लोगों की जो ड्यूटी लगाई गई, हम ड्यूटी पर उपस्थित हैं, मंडी की जो व्यवस्था है मंडी सुचारू रूप से कर रही है। मंडी का काम जो है व्यवस्थाएँ जो है मुहैया कराना था, जिसमें जो है सोसाइटी के लिए ग्रेडर मशीन, छलने, कंप्यूटर सिस्टम ये देना था, तोल करना सोसाइटी का वर्क। मंडी में सारी सुविधाएं उपलब्ध थी किसानों के लिए, पानी सुविधा के लिए जो है वहाँ उपलब्ध जो है आर ओ वाटर लगाया गया है, किसानों के लिए यूरिया उपलब्ध कराए गए हैं। अभी मंडी में ऐसी कोई जो है तोल संबंधित कार्रवाई जो है नागरिक आपूर्ति निगम मार्केट की कार्रवाई थी। अच्छा, किसान आरोप लगा रहा है कि मंडी कर्मचारियों ने पैसे ले लेके जिन लोगों के नंबर थे उससे पहले तोल दिए। मंडी कर्मचारी थे एक बता रहे हैं, और जो रसीद काटी गई कंप्यूटर रूम से, जो गेट पर कंप्यूटर रूम है मंडी का, वहाँ से रसीदें 1,000 रुपये की काटी गई अवैध रूप से। ऐसी कोई जानकारी मेरे संज्ञान में तो है नहीं है। और जहाँ तक जो है टोकन की व्यवस्था थी, तो मंडी के प्रो फार्मा पे अनुभागीय अधिकारी राजस्व जो है गुना के हस्ताक्षर से टोकन जारी करे गए, और टोकन जारी जो है सारे दशहरे मैदान से करे गए। तो ऐसा कोई आरोप तो होते ही नहीं है। तो जी, आप इस अव्यवस्था का कारण किसको मानते हैं? नहीं, 6-6, 7-7 दिन में तुलाई, उनका नंबर 12 तारीख को आ रहा है, किसका 10 आ रहा है, आज 18 हो गई, इससे पहले वाले तोल के कंप्लीट निकल चुके अपना माल, तो ये कहाँ है परेशानी का कारण बना किसान? इसके लिए तोल की व्यवस्था जो है डीआर साहब को जो है उनके द्वारा की जानी है, उन्हीं के द्वारा करनी थी। मंडी में तो जो है आज भी जो है मंडी नीलामी के जो कर्मचारी किसान आ रहे हैं, वो आज भी जो है एक व्यापारी पर जो है 200-250 की कैपेसिटी तुलने की क्षमता है। शाम तक जो मंडी के जो ऑक्शन होता है गेहूँ की जो है 400 ट्राली की जो हम जो है एक ही दिन में तोल हो रही है कि अव्यवस्थाएँ कर्मचारियों की वजह से हुई हैं और अभी भी काफ़ी दिक्कतों में किसान हैं, तो उनके लिए आपने क्या किया? दिक्कतें, इतना भारी बड़ा काम है ये, दिक्कतें थोड़ी बड़ी आती रहती हैं, लेकिन मैंने उनकी सुगमता के लिए एक तो ये किया कि ट्रांजिट पास में अब
हमारे नायब तहसीलदार जारी कर रहे हैं ताकि वो क्यू से आ सकें, लाइन से आ सकें। दूसरी जगह चूँकि मंडी में जगह कम थी, वहाँ पर काफ़ी कंजेशन हो जाता था, तो यहीं पास में ये बीज निगम का जो फील्ड है जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर मैंने व्यवस्था की है। अभी 6 कांटे शुरू हो रहे हैं और कल तक इनको पूरे 17 कांटे का। ये जो आज हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं ये डे वन भी कर सकते थे ताकि किसानों को इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना। ऑल ऑफ सडन कभी कभी ये होता है कि वहाँ अच्छे से व्यवस्थाएँ चल रही थी लेकिन आवक ट्रालियों की ज़्यादा हो गई और तोलावटियों के द्वारा थोड़ा कम गति से तोला गया जिसके कारण बैकलॉग हो गया। इस कारण से अच्छा रजिस्ट्रेशन सर 35,000 करीब हुए, 9,000 किसानों की तुलाई हुई है, तो केंद्र की जो संभावना थी ज़्यादा बनाते हुए डीआर ने जो व्यवस्था करी कांटों की तुलने की, तो उसका मैं ये शासन से ही इस तरह के निर्देश थे कि मुख्य मंडियों पर ही ये किया जाए क्योंकि चना बेसिकली बहुत ही संवेदनशील जिन्स होती है, जरा से भी पानी आने से खराब हो जाती है, इस कारण से मंडी मुख्यालय में ही। किसानों का आरोप है कि पैसा लेके जल्दी तुलाई करने के फेर में ये सारी अनियमितताएं हैं। तुलावटी और किसानों का हो सकता है लेकिन मुझे इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। बीजियारा में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।